आने जा रही है बिना सीट वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर, टेस्टिंग के दौरान आई नजर। ऑस्ट्रिया के मशहूर स्पोर्ट्स बाइक निर्माता कंपनी KTM बहुत जल्द अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लाइन अप को बढ़ाने के जा रही है। KTM के लाइन अप में इस समय काफी बड़ी इलेक्ट्रिक साइकिल की रेंज मौजूद है, दो की ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिलहाल KTM अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्टिंग कर रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस KTM इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ड्राइवर के लिए सीट नहीं दिया गया है। यह स्कूटर ऑफ रोडिंग के लिए भी एक बेहतरीन स्कूटर है। बिना सीट की ये स्कूटर खास तौर पर युवाओं के लिए डिजाइन की गई है। KTM द्वारा टेस्टिंग की जा रही इस खूबसूरत स्कूटर को ब्लू और व्हाइट कलर स्कीम से डेकोरेट किया गया है। इसके साथ KTM ने बड़ा फ्रंट व्हील दिया है, जो कि रियर में छोटा सा टायर का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के अनुसार कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दाएं तरफ एक बेल्ट दी गई है, जो कि एनर्जी रिकवरी सिस्टम से कनेक्टेड हो सकता है। इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसके हैंडल बार पर एडजस्ट किया गया है। माना जा रहा है कि यह वही फुल TFT डिस्प्ले है, जो कि इससे पहले KTM 390 ड्यूक में देखने को मिलता है। इस खूबसूरत सी दिखने वाली KTM एडवेंचर स्कूटर में हार्ले डेविडसन के इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह ही फ्लोरबोर्ड पर बैटरी पैक दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कब तक लॉन्च किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर माना जा रहा है कि इसे इस साल के आखिर तक बाजार में उतारा जा सकता है।